रेटिंग्स ऑफ अ रेस्टोरेंट डेफिनेटली गाइड एंड इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन कि हम कौन से रेस्टोरेंट खाना खाने जाएंगे, बट इज इट रियली ऑनेस्ट, मतलब कैन वी रियली ट्रस्ट द रेटिंग। बस यही पता कर ले आज 24 आवर्स के लिए हम खाने वाले एट द वर्स्ट रेटेड रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट के लिए ना मैंने बस गूगल मैप पे सर्च करा वर्स्ट रेटेड ब्रेकफास्ट प्लेस एंड आई गॉट दिस प्लेस कॉल्ड कवाली, जिसके 3.9 रेटिंग है। मतलब 3.9 इज अ डिसेंट रेटिंग बट रिव्यूज बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। तो हम सॉर्ट ऑफ एक गेम खेलने वाले हैं। सो आई बेसिकली मेड दिस रिव्यू बिंगो कार्ड। इस बिंगो पे बेसिकली लिखा हुआ है कि रिव्यूज में क्या क्या गंदी चीजें हैं। कोई भी चीज अगर हमें लगे कि हाँ वी अग्री विद द रिव्यू, तो हम उसको एक पेन से क्रॉस आउट कर देंगे। एंड द फर्स्ट रेटिंग वी गोना टेस्ट इज डिफिकल्ट टू फाइंड पार्किंग, सो दैट इज द रेस्टोरेंट वेयर वी हैव टू गो। एंड यहाँ तो पार्किंग नहीं है, बट इधर अपन व्हाइट कार के पीछे पार्क कर सकते हैं, सो आई थिंक उतना डिफिकल्ट नहीं है पार्किंग ढूंढना। सो आई डोंट बिलीव इन दैट रिव्यू। थैंक यू। ओके, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि द फूड लुक्स सो गुड, मतलब इट डजंट लुक लाइक इट्स कम फ्रॉम अ प्लेस जिसकी रेटिंग कम है। मतलब जस्ट बाय द लुक्स आई फील लाइक दिस प्लेस शुड हैव अ मच हायर रेटिंग दैन इट डज। लेट्स ओपन अप आवर बिंगो एंड लेट्स सी। द फर्स्ट थिंग इज अनहाइजीनिक, बट ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी अनहाइजीनिक नहीं है। मतलब पूरा किचन इज ओपन, बहुत साफ लग रहा था। मतलब द पर्सन हु वाज कुकिंग हैड अ कैप आल्सो एंड हर 2 मिनट में ही वाज क्लीनिंग द काउंटर। सो अनहाइजीनिक तो मैं नहीं बोलूंगी, इवन द प्लेटिंग इज सो ब्यूटीफुल। हाई प्राइस, आई पेड 100 रुपीज फॉर दीज टू थिंग्स एंड आजकल बैंगलोर में 100 रुपीज is not expensive, trust me. Next is no customer priority, but ये भी सच नहीं है क्योंकि मतलब जो customers आ रहे थे वो very sweet, मतलब इतने प्यार से बात कर रहे थे। अगर आप उनसे extra सांबर चटनी वगैरह मांगो तो वो बहुत प्यार से देते हैं, so ये भी गलत है। Next is not place for a cup of coffee, वो हम बाद में try करेंगे। 100 रुपए के लिए इतना quantity मिल गया, what do you mean less quantity? Horrible service, ये तो सच नहीं है because they were very sweet to everybody who's coming, not just me. Now it's time to try our dosa. Look at how beautiful the dosa is. It is properly cooked. मतलब गोल्डन ब्राउन कलर है, इतना सुंदर लग रहा है। देयर इज अंदर मसाला, हाँ आई वुड से मसाला की क्वांटिटी थोड़ी कम है, बट दैट्स ओके। लेट्स फर्स्ट टेक अ बाइट ऑफ दिस। दिस लुक्स सो नाइस एंड दे पुट अ लॉट ऑफ घी ऑन दिस बाय द वे। लेट्स टेक थोड़ा सा सांबर, लेट्स टेक चटनी। गाइस फ्लेवर लेस मसाला तो झूठ है, ये डोसा बहुत टेस्टी है। मेरे हाथों में लिटरली घी भर गया, उन्होंने इतना घी डाला है। बाइट में घी का टेस्ट आ रहा है, इट्स एक्चुअली सो नाइस। आई डोंट इवन नो हाउ यू कैन कम टू अ रेस्टोरेंट लाइक दिस एंड गिव अ बैड रेटिंग बिकॉज द सांबर इज मीठा भी नहीं है, मतलब अच्छा फ्लेवरफुल सांबर है। डोसा तो वाज गुड। अब लेट्स कम टू आवर इडली वड़ा। इसमें 2 पीस इडली है एंड 1 पीस वड़ा है। सबसे पहले लेट्स टेक आवर इडली। इडली इज अच्छे से फ्लफी एंड प्रॉपरली कुक्ड ऑल्सो। लेट्स टेक अ छोटू बाइट, लेट्स डिप इट इन चटनी। इडली ना लिटरली मुंह में घुल गई। पता है कई जगहों की इडली ऐसी होती है जो हार्ड होती है, थोड़ी चूई होती है, बट ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इट्स सो गुड एंड सो टेस्टी। नाउ लेट्स ट्राई द वड़ा, लेट्स सी अंदर क्या है। सो इट्स अ प्लेन वड़ा, आई थिंक इसके अंदर थोड़े से ये हरी मिर्च है, करी लीव्स है, सो फ्लेवर अच्छा आएगा। लेट्स डिप इट इन थोड़ा चटनी। ट्रस्ट मी यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मतलब द वड़ा इज नॉट टू ऑयली, इट्स काफी फ्लफी, काफी फ्लेवरफुल। सांबर भी अच्छा है, चटनी भी अच्छी है, डोसा भी अच्छा है। आई थिंक दिस रेस्टोरेंट कैन नॉट बी गिवन अ 3.9 रेटिंग, एटलीस्ट फॉर ब्रेकफास्ट 100 रुपीज में इतना कुछ मिल रहा है, पार्किंग मिल रही है आपको, लोग सर्विस इतनी अच्छी दे रहे हैं। आई थिंक 3.9 तो नहीं देंगे। आई वुड डेफिनेटली रेट दिस रेस्टोरेंट अ 4.5 ऑन माई स्केल। अभी चलते हैं, लेट्स ट्राई देयर फिल्टर कॉफी एंड सी अगर इसमें से एक भी चीज कट होती है कि नहीं। ओके गाइस, सो ही इज द ओनर एंड उन्होंने सजेस्ट करा के वी शुड ट्राई दिस। सो दिस इज द चिली चीज एंड दिस इज द गार्लिक चीज डोसा। दे लिटरली सो स्वीट, मैं क्या बताऊं। मतलब ही सजेस्टेड वन मोर, व्हिच वन इज दिस? ओके, सो वी हैव बटर ओपन डोसा, गार्लिक चीज, चिली चीज एंड वी हैव आवर कॉफी। ओके, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट नंबर 2 नाउ। गाइस मेरा पेट भर चुका है बट मेरा मन नहीं भरा बिकॉज पीपल हियर आर सो स्वीट। सबसे पहले लेट्स ट्राई द बटर ओपन डोसा। तो इस पे बहुत सारी पौड़ी डाली हुई है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बटर ऑल्सो, मेरे को दिख रहा है। प्लस नीचे से इट्स प्रॉपरली कुक, नीचे से भी पता चल रहा है कितना सारा बटर है। खैर, लेट्स टेक थोड़ा सा, भाई साहब लेट्स टेक चटनी। दैट इज अ लॉट ऑफ बटर भाई,
It was like I ate a chambaja butter. If you like butter, this is something you can consider. अभी लेट्स ट्राई द चिली चीज. सो इसके ऊपर बेसिकली दिस थोड़ा सा मसाला, दिस चीज एंड आई थिंक डोसा बैटर में ही मिर्ची डाली हुई है. दिस लुक्स नाइस. इसको हम बिना चटनी के ही ट्राई करेंगे. डोसा इटसेल्फ इज सो स्पाइसी. मतलब आई थिंक मिर्ची बैटर में मिर्ची पेस्ट डाली हुई है, उस वजह से लिटरली हर बाइट में मिर्ची का टेस्ट आ रहा है. एंड एक्चुअली फॉर अ स्पाइस लवर लाइक मी दिस इज नाइस, क्योंकि आई रियली लाइक इट. Okay, let's try the garlic cheese dosa. इसमें भी हल्का सा मसाला है. This cheese and I think this is garlic powder. Oh, this is more like वो South Indian garlic powder मसाला और cheese का combination. It's nice, but इन तीनों में से I would definitely pick the cheese chili dosa because it's something different. Okay, this restaurant is called Kavali near Banshankri, so you should try this place out, especially for this dosa. And इनका idli vada is also really nice. Now it is time to try our coffee and see whether the review के not a place for coffee is good or not. अच्छा वैसे तो owner also told me कि recently these people acquired this place. पहले it wasn't good, but they changed it up. So I think that's why यहाँ का खाना, ambience और यहाँ की quality feels much better. But let's try coffee. So good cup of coffee. मतलब हाँ, they've not served it in that authentic style जिस तरह से coffee serve होती है. But the coffee is really nice. मतलब बहुत ज़्यादा strong नहीं है. But ऐसा नहीं कि coffee का taste नहीं आ रहा. And it's मतलब proper filter coffee का भी अच्छा taste आ रहा है. And मतलब हल्की चीनी है. If you want, you can add more. But मेरे लिए this is perfect. Boss, how will I eat? This is pizza dosa, which is not in their menu. I was gonna say the food was very nice, and I'm full now. Thank you so much. It was really nice. Hey, has given us one more dosa to try, and this looks so nice. Isme there is baby corn, there's corn, there's capsicum, there's paneer, and lots of cheese. Bhai sahab, abhi unhone itna pyar se banaya, to bina try kare to nahi jayenge. So let's take a bite. Bro, okay. मेरे को लगता है I'm gonna be a often customer here. मैं यहाँ पे dosa खाने तो definitely आने वाली हूँ. अच्छा हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस. मेरे को खाना बहुत अच्छा लगा, मेरे को लोग बहुत अच्छे लगे. कई बार ऐसा होता है ना, इतनी स्मॉल शॉप्स पे समवेयर वेयर यू वोंट इवन गो, बट दीस प्लेसेस आर द प्लेसेस दैट गिव यू सच हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस. मुझे इतना अच्छा लगा. एनीवेज, दिस इज जस्ट द फर्स्ट ब्रेकफास्ट. आगे पता नहीं क्या होने वाला है, बट लेट्स गो. सो लंच के लिए ना मुझे चाइनीज की क्रेविंग हो रही थी. सो मैंने जोमेटो पे सर्च करा चाइनीज, एंड द लोएस्ट रेटेड प्लेस आई गॉट वाज दाल तड़का फॉर 2.9 रेटिंग. अभी हम यही पे है, ऊपर है जगह. एंड वी हैव टू एंटर फ्रॉम दिस डिंजी सा प्लेस. लेट मी शो यू यहाँ पे रिव्यूज क्या क्या दिए लोगों ने. फर्स्ट इज फूड टेस्ट वॉज वेरी बैड, इट टुक देम 45 मिनट्स टू सर्व, नॉट अपोलोजेटिक. ओके, दैट इज नॉट गुड. फूड टेस्टेड हॉरिबल, वी फाउंड ह्यूमन हेयर इन सब्जी. ऑल्सो अ रैट वॉज रोमिंग अराउंड, प्यूक्ड आफ्टर कमिंग होम. स्मेल्ड एंड टेस्टेड हॉरिबल. ओके, आई एम वेरी कंसर्न फॉर माई सेल्फ राइट नाउ. खैर, लेट अस एंटर द प्लेस. एक्चुअली एंट्रेंस इटसेल्फ इज वेरी क्रीपी एंड वियर्ड सा, बट ओके, दे हैव अ लिफ्ट, सो दैट इज समथिंग. तो हम रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं, एंड मैंने ना फॉरेन कंटेंट क्रिएटर्स को ये गेम खेलते हुए देखा है कि दे गो टू द वर्स्ट रेटेड प्लेसेस एंड दे ट्राई टू लीव अ 5-star रेटिंग हियर. मतलब दे फाइंड 5 रीजंस टू गिव इट अ गुड रेटिंग. सो वी आर गोना ट्राई दैट चैलेंज एंड सी अगर हम इस जगह को 5-star रेटिंग दे सकते हैं कि नहीं. सो सबसे पहले जैसे हम एंटर करें, जैसे एंट्रेंस ही वैसा नहीं है, मतलब द एम्बियंस इज डिसेंट. एक्चुअली मुझे शादी वाला वाइब दे रहा है, जैसे शादी के हॉल्स वगैरह होते हैं, बट इट्स नाइस, इज डिसेंट. एंड जैसा हमने रिव्यू में देखा था कि रैट्स वगैरह है, ऐसा सब तो कुछ भी नहीं है. मतलब इट्स अ नाइस, गुड, डिसेंट प्लेस. सो 1-star. गाइस, इट्स बीन 20 मिनट्स एंड अभी तक कुछ भी नहीं आया. प्लस द रेस्टोरेंट इज आल्सो एम्प्टी, सो क्यों नहीं आया. 30 मिनट्स आर डन, बट द वेटर्स आर वेरी स्वीट, तो 2 stars फॉर दैट. एग्जैक्टली 34 मिनट्स बाद हमारा खाना आया. सो हाँ, वेट टाइम तो ज़्यादा है, वो रिव्यू से मैं मानूंगी. बट जो रिव्यू ये था कि इट डजंट स्मेल गुड, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. सो 3 stars, क्योंकि खाने की खुशबू बहुत अच्छी है. अभी सबसे पहले लेट्स ट्राई आर हनी चिली पोटेटो. दिस लुक्स सो नाइस. मतलब द पोटेटो इज क्रिस्पी एंड ऊपर मस्त सेसमे सीड्स डाले हुए हैं. सो लेट अस ट्राई दिस आउट. कुछ टेस्ट नहीं है, एंड पोटैटो जला हुआ है थोड़ा सा, दिख नहीं रहा के जला हुआ है, बट अन एम ईटिंग इट, तो ऐसा जला जला सा टेस्ट आ रहा है. सो इसका टेस्ट अच्छा नहीं है. लेट्स गो ऑन टू आर चिली पनीर. इसमें पीसेस ऑफ पनीर थोड़े बड़े आए, जनरली प्रेफर देम टू बी स्मॉल, बट इट्स ओके. ठीक है, डिसेंट है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है.
अगेन इसमें भी कोई टेस्ट नहीं है, मतलब इट लुक्स लाइक इट वुड बी अ गुड चिली पनीर बट इट्स नॉट, मतलब इट लिटरली टेस्ट लाइक हार्ड पनीर, दैट्स इट, ऊपर कोटिंग है बट कोई टेस्ट नहीं आ रहा उसका. बट ओके वी हैव वन मोर सेविंग ग्रेस विच इज द शेजवान फ्राइड राइस. आई होप इसमें अच्छा फ्लेवर हो, दिस लुक्स रियली नाइस. ओके बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट इट्स स्पाइसी एंड शेजवान फ्राइड राइस इज सपोज टू बी स्पाइसी, सो इसके लिए क्या बोलते हो, एक रेटिंग और दे दें. ओके सो वी मैनेज टू गिव दिस रेस्टोरेंट 4 रेटिंग. अभी देखना ये कि फिफ्थ रेटिंग कहाँ दे सकते हैं हम. मैं ना रेस्टोरेंट से सब कुछ पार्सल करा के ले आई बिकॉज आई डोंट नो, मैं से वो खाया नहीं जा रहा था. एक्चुअली राइस का टेस्ट अच्छा था बट वो खाने के बाद एक मुंह में अजीब सा आफ्टर टेस्ट था. इट फेल्ट लाइक कुछ गंदा खा रही हो एंड लो क्वालिटी खा रही हो, ऐसा लग रहा कि डेफिनेटली तबियत खराब हो जाएगी इसको खा के. लास्ट अभी फिफ्थ रेटिंग कैसे दो पता, पहले मुझे लगा कि मे बी अगर रीजनेबल प्राइस होगा तो फिफ्थ रेटिंग उन्होंने ना पानी की बॉटल टेबल पे रखी थी विच इज फाइन, सारी टेबल्स पे रखते होंगे, बट दे चार्ज्ड मी 19 रुपीज फॉर इट जबकि मैंने पिया ही नहीं, ना मैं पानी की बॉटल पी वहाँ पे ना मैं लेके आई, तो दैट इज नॉट गुड. ये मैंने अभी ही नोटिस करा है. खैर आई नो इन्होंने पैकेजिंग का हमसे कोई चार्ज नहीं लिया, सो आई गेस 5 रेटिंग. The next place we are going to, I'm also very excited क्योंकि हम लोग fast food joints जाते हैं and generally Domino's, McDonald's कहीं भी जाओ taste same होता है चाहे rating कैसी भी हो. But I have found this Domino's, मतलब which is the worst rated Domino's in Bangalore and it has a 2.7 rating. मतलब reviews इतने गंदे हैं उसमें, मतलब most of the reviews में ये लिखा है कि the pizza is not properly cooked and नीचे का base कच्चा है. अभी अपन भी जाएंगे and देखेंगे कि rating of fast food joints whether it actually matters or not. Okay, hum Domino's pahunch chuke hain and this is the Banshankari fifth stage wala branch and एरिया देख के आपको लग रहा होगा एरिया ही अच्छा नहीं है एंड मतलब पूरा टूटा फूटा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है. ओके यहाँ की एंट्रेंस भी थोड़ी डिंजी और वियर्ड सी है, बल्कि पता है पिछले रेस्टोरेंट की एंट्रेंस वो स्टिल अ लिटिल ओके. यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा मिट्टी मिट्टी है यहाँ पे. And it feels very dusty probably because aspas construction ho rahi hai. Okay, if I give you first impressions, the entire restaurant is empty. खुशबू बहुत अच्छी आई, अंदर घुसते ही डोमिनोज की खुशबू आई. One cheesy garlic bread, Mexican veg taco, one Mexican green wave regular. लोगों ने mostly ये बोला है कि base कच्चा है, but अभी तक smell wise तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा. बहुत अच्छा डोमिनोज की खुशबू आ रही है. अभी base देखते हैं pizza का cooked है कि नहीं. So this is the cheese burst Mexican. Mexican green wave and toppings बहुत अच्छी है, cheese बहुत सारी है, काफी अच्छे से cheese से भरा हुआ है and if you look at the back it's properly cooked so I think ये problem तो नहीं है. And just look at the amount of cheese that is filled in, भाई साहब भरा हुआ है ये cheese के साथ. It's nice, मतलब मुझे तो कुछ problem नहीं लगी इस pizza में. It's cheesy, it's crispy, it's properly cooked, सब्जियाँ भी अच्छी हैं. अभी लेट मी शो यू द टाको मेक्सिकाना. सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. इट हैज अ सॉर्ट ऑफ सॉस है विच इज रियली नाइस. इस पैटी में बेसिकली राजमा और चावल होते हैं बट इन अ मेक्सिकन फ्लेवर एंड मेरे को और हरविंदु को ये बहुत अच्छा लगता है. सो लेट्स ट्राई दिस आउट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही यहाँ पे. इट्स एग्जैक्टली द सेम इफ नॉट बेटर देन अदर जॉइंट्स. मतलब द टेस्ट इज रियली गुड, इट्स क्रिस्पी एंड अच्छा मसाला डाला हुआ है. जनरली कई बार यहाँ पे लोग मसाला नहीं डालते बट वो प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पे. मसाला भी बहुत अच्छा है सो आई डोंट थिंक कुछ इशू है यार. वन मोर थिंग, दे नॉट कंजूस. वो टिश्यू पेपर रखे गए टेबल पे एंड देव गेट सो मेनी टिश्यू पेपर. आई हैव नेवर सीन एनी रेस्टोरेंट कीप इतने टिश्यू पेपर्स ऑन द टेबल. बाय द वे आप लोगों को मैंने अपना यूजुअल ऑर्डर तो दिखा दिया है बट आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग ये सब जगहों से आपका यूजुअल ऑर्डर क्या है. एंड आई थिंक हम एक चैलेंज करेंगे जिसमें हम हर मील में सब्सक्राइबर्स के फास्ट फूड ऑर्डर्स ट्राई करेंगे एंड देखेंगे कि कैसा है. लेट्स कम टू आवर स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड. दिस इज ऑल्सो मेरे और हरविंदर का एक फेवरेट. जस्ट लुक एट दैट चीज पुल भाई साहब. एक पीस निकालते हैं इसके अंदर से. भाई धुआं देख रहे हो जो निकल रहा है. आई हैव नो कंप्लेंट्स फ्रॉम दिस प्लेस. मतलब मेरे को टाको अच्छा लगा, पिज्जा अच्छा लगा एंड गार्लिक ब्रेड भी अच्छी लगी. गरम बहुत है. मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एंड द 2.7 रेटिंग इज नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू मी. ओके नाउ लेट मी एंजॉय माई फूड.
वैसे आजकल हमारा बाहर जाना बहुत ज्यादा कम हो गया है एंड मोस्टली हम घर पे ऑर्डर करते हैं, तो मैंने सोचा वो वाली रेटिंग भी टेस्ट करते हैं। अभी ऐसा थोड़ा इवनिंग स्नैक का टाइम है एंड यूजुअली आई एम हैविंग मोमोज या पानीपुरी, या पानीपुरी मैं घर पे नहीं खाती, तो मैंने मोमोज ऑर्डर करे एंड आई वॉन्टेड टू सी के जोमेटो या स्विगी में से किसका सबसे गंदा होता है इन द वर्स्ट रेटेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। सो सबसे पहले वी हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम जोमेटो, दिस इज फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड ड्रैगन वॉक एंड इसकी 2.3 रेटिंग है। Packaging is pretty decent. For some reason, why does this look like red chutney or sambar chutney? This does not look like momo chutney. Okay, momos look pretty good. मतलब देखने में काफी बड़े हैं। दोनों जगह से मैंने basically steam chicken momos order करे हैं। Okay, layer काफी decent है and अंदर filling भी अच्छी है। It's not just chicken मसाले वगैरह भी है। Swiggy और Zomato की packaging में तो ज़्यादा फर्क नहीं है। Just that Swiggy की packaging में Zomato की tape लगी हुई है। So, अच्छा ठीक है। इसकी ना packaging is better and by the looks of it, इसकी chutney better लग रही है। It looks like proper momo chutney and let's take a look at the momos. Okay, ये momos देखने में अच्छे नहीं लग रहे, मतलब यहाँ से देख के मुझे कच्चा लग रहा है and these are tinier than the Zomato वाले momos and अच्छा filling अच्छी लग रही है, मसालेदार लग रही है। सबसे पहले हम Zomato वाले try करते हैं। These momos definitely look bigger than the Swiggy वाले। इसको हम ये red chutney में dip करते हैं which looks weird. I did not expect that, but momo बहुत soft है and the chutney is spicy. मतलब देख के लग रही कि अच्छी नहीं होगी, but these momos are genuinely good. मतलब this place was rated 2.7 on Zomato. I feel like ये video के बाद I'm completely losing faith in ratings because this is good. अभी let's try the Swiggy वाला which I don't have much hopes for, but the filling looks nice. मतलब बाहर की layer मोटी है definitely, but I like the chutney. It looks like proper momo की chutney. Oh, that is disgusting. Na chutney meaty hai. Chicken acha nahi hai. It's weird. I feel like it's imitation chicken. Doesn't even feel like real chicken. And bahar ki layer bhi. I cannot eat that. But ye wala main fir bhi kha sakti hu. Abhi isme jeeta kaun? Ek minute. दोनों रेस्टोरेंट से हमने वर्स्ट रेटिंग के ऑर्डर करे थे। स्विगी का बहुत गंदा था, जोमेटो का अच्छा था, बट इट वॉज वर्स्ट रेटेड, इट वॉज सपोज टू बी बैड। सो नेक्स्ट जोमेटो विंस क्योंकि टेस्ट अच्छा था। आई डोंट नो मैं कौन से टेंशन पे चली गई, बट ठीक है जोमेटो विंस। अभी आई विल सी यू डिनर के टाइम। इस डिनर टाइम और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ डिनर के लिए एंड देन आई गॉट अ मेल फ्रॉम अ सब्सक्राइबर एंड दिस इज द कॉन्टेंट। सो इट्स बेसिकली अ लिस्ट ऑफ द टॉप 100 वर्स्ट रेटेड डिशेज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने ऐसी कोई लिस्ट इससे पहले सुनी भी नहीं है। उनमें से दो चीज़ें आई वॉज लाइक हाउ इज इट पॉसिबल इट्स वर्स्ट रेटेड। सो द फर्स्ट थिंग वॉज फॉर्च्यून कुकीज जो मैंने ऑर्डर करी है एंड द सेकेंड थिंग वॉज अ रामन बर्गर। अभी आई थिंक दोनों अच्छी होंगी बट हम ट्राई करके देखेंगे। आई थिंक आई एम गोना गो विद जाजांगमियन। मतलब बहुत टाइम से मैं कार्बोनारा खा रही हूँ एंड टुडे आई रियली फील लाइक हैविंग दिस और मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इट। जब तक हमारी रामन थोड़ी गर्म हो रही है, लेट्स ट्राई दिस फॉर्च्यून कुकीज। मतलब आप लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कभी फॉर्च्यून कुकीज ट्राई करी है। सो दिस इज हाउ दिस लुक लाइक एंड इट्स बेसिकली काना सॉर्ट ऑफ टेल्स यू योर फॉर्च्यून। आई डोंट नो इफ यू गाइस बिलीव इन दिस बट ऐसा इसको खोल के अपना फॉर्च्यून देखने में मजा तो डेफिनेटली आता है। All you gotta do is break it open and you see your fortune. What is my fortune? It says miles are covered one step at a time. Guys, एक ना अभी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ एंड दिस जस्ट फील्स सो रियल राइट नाउ। आई मीन या आई फील लाइक ओके दिस इज टू रियल बट लेट्स ट्राई एंड सी के टेस्ट में कैसे है। They're like crunchy cookies. बुरा तो नहीं है। Definitely इससे बुरी 100 चीजें मुझे मिली जाएंगी like chocolate Maggie, Oreo पकोड़ा। Please continue the list in the comment section. Let's find 100 things. We got it from a place called Freddy's. So Swiggy Mini पे मिला मुझे। Not sponsored but ऐसे small businesses को support करना हमें बहुत पसंद है। So you guys can check it out. It's really nice. Okay, a ramen is still cooking. भाई ये ramen को बहुत time लगता है बनने में। पहले वी गोना कट इट फ्रॉम द सेंटर एंड देन इसको हल्का सा खोखला कर देंगे। आवर रामेन इज रेडी। नाउ वी ऐड इन आवर जाजांगमियन सॉस। दिस लुक्स सो नाइस। इट्स बेसिकली ब्लैक बीन, तो हल्के मीठे होते हैं ये रामेन। बिफोर वी मेक दिस इनटू अ रामेन बर्गर। दैट इज सो गुड। ऐसे ही खा जाऊंगी मैं, रुको डाल लेते हैं। आवर रामेन बर्गर गेटिंग रेडी।
कितना मस्त लग रहा है. आई हाईली डाउट द स्किन टेस्ट बैड. आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल ओनली. जस्ट लुक एट दिस. दिस लुक्स सो नाइस गाइस. 99% दिस इज नॉट गोना टेस्ट बैड बट रामेन गुड. रामेन खाते हुए बर्गर के बिट्स वेरी बैड. अजीब सा टेस्ट आया था. वो मैदा आ रहा था व्हिच वाज लाइक ब्रेडी. मतलब आई वुड अग्री दैट दैट गोज इन द वर्स्ट रेटेड डिशेस. अच्छा अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट चैलेंज कौन सा होना चाहिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.